बोर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी खबर, फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। न्यू लिंक एक्टिव कर दिया गया है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट सभी स्टूडेंट्स आसानी से चेक कर सकते हैं जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन आवेदन किए हैं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, एडमिशन का पैसा यानी शुल्क कितना लगेगा, आज की इस वीडियो में सारी जानकारी मिलेगा। वीडियो के साथ बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी आगे पीछे बढ़ाकर मत देखिएगा वरना इन्फॉर्मेशन से आप मिस हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, देर ना करते हुए लेट्स बिगिन। सबसे पहले आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल फोन का गूगल ओपन कर लिए हैं, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डोंट वरी दोस्तों, आप लोग लैपटॉप कंप्यूटर का भी गूगल ओपन कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके मोबाइल फोन में गूगल नहीं है तो क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर सकते हैं। क्रोम ब्राउजर भी ओपन कर लीजिए और सर्च बॉक्स में टाइप करना है टारगेट कोर्स TARGET, उसके बाद COURSE लिख कर आपको सर्च कर देना है टारगेट कोर्स। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले फर्स्ट वाले पेज पर ही क्लिक करना है। ठीक है, ध्यान रखें अगर आप लिख कर सर्च नहीं करना चाहते तो लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट यहीं पर आ जाओगे। आपको फर्स्ट वाले पेज पर ही क्लिक करना है टारगेट कोर्स पर। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा जो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर थ्री डॉट के ऑप्शन क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइड में कर लेना है। जी हाँ, यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, थोड़ा नीचे जाइएगा तो यहाँ पर डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर चेकबुक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस चेकबुक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करिएगा आपके सामने ये पूरा विंडो होम पेज पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, देखिए एजुकेशन पर आपको आना है। ठीक है, एजुकेशन का ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा OFSS 11th फर्स्ट मेरिट लिस्ट। ठीक है, तो यहीं पर आपको क्लिक करना है फर्स्ट मेरिट लिस्ट पर। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करिएगा आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का। अब यहाँ पर आप लोगों को नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपको कैसे चेक करना है आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और भी लाइव प्रूफ बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा और सभी स्टूडेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ सभी स्टूडेंट्स को कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट आप लोगों को यहाँ पर आकर चेक कर लेना है। देखिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2022 लिंक प्रोवाइड कराया गया है, आप लिंक पर क्लिक करके आसानी से फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसे चेक करना है यहाँ पर आप आकर जो है चेक कर सकते हैं। अगर आपको मालूम नहीं है कैसे चेक करना है तो यहाँ पर मैंने सारे स्टेप बताए हैं। ठीक है, यहाँ पर अपने कीवर्ड में स्टेप सारे बताए हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट के लिए आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है, यहाँ पर सारे अपडेट दिए गए हैं। ठीक है, इसको पढ़कर आप लोग जो है आसानी से लिंक पर क्लिक करके आसानी से फर्स्ट लिस्ट जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और पैसा कितना लगेगा, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। ठीक है, यहां पर मैं आपको बता देता हूं सभी स्टूडेंट्स को कि एडमिशन के लिए आप लोगों का जो है शुल्क यानी पैसा जो जैसे कि सामान्य सभी छात्र जितने भी सामान्य कैटेगरी के हैं उनका 1350 रुपये लगेगा, यानी कि 1350 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, यहां पर मैं आपको एक बार फिर से लिख देता हूं 1350 रुपये आपको देने होंगे। ठीक है, ओके 1350 रुपये, और जो SC ST के छात्र हैं उनको 1250 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये है आप लोगों का शुल्क जो कि सामान्य कोटि के छात्रों को 1350 और बाकी कोटि के जो SC ST के छात्र हैं उनको जो है 1250 देने होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा सभी स्टूडेंट्स को कि जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सेकेंड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा और थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, यहाँ पर आकर आप लोग पढ़ लीजिए सारे आर्टिकल्स, यहाँ पर आप लोगों को मालूम चल जाएगा और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा, फर्स्ट लिस्ट में अगर जिन छात्रों का नाम नहीं आता है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट का इंतजार कर लीजिएगा और थर्ड मेरिट लिस्ट का भी इंतजार कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर आकर पढ़ लीजिए। चलिए धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।